200 वर्षों से शहर में खेली जा रही रंग तेरस पर जिंगर समाज की कोड़ामार होली की चमक आज भी कायम है और इसमें समाज के लोग उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। परंपरा के तहत पुरुष कड़ाओं में भरा रंग महिलाओं पर डालते हैं और उससे बचने के लिए महिलाएं कोड़े से प्रहार करती हैं। होली के 13वें दिन मनाया जाने वाला महापर्व आज भी अपनी अहमियत बनाए हुए है। परंपरागत ढंग से आज भी भीलवाड़ा स्थित कुलमंडी सराफा बाजार क्षेत्र में शहर के विभिन्न स्थानों में रह रहे जिनका समाज के स्त्री पुरुष ढोल पे गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुंचते हैं। इस दिन महिलाएं सूती साड़ियों से गुथकर कोड़े बना लेती है और वहां रखे पानी व रंग से भरे कड़ाव के पास खड़ी हो जाती है। पुरुष कड़ाव से पानी की डोलची भरकर महिलाओं पर फेंकते हैं, महिलाओं कोड़े से मारती है। कड़ाव पर जिसका कब्जा हो जाता है वही इसमें जीतता है। वहीं महिला पवन देवी जिनकर ने कहा कि साल भर हमें इस त्योहार का इंतजार रहता है। यह परंपरा हमारे बुजुर्ग मनाते थे और अब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस होली को खेलते हैं। इसके बाद शाम को स्नेह भोज का आयोजन किया जाता है। समाज के प्रबुद्ध जन बताते हैं कि लगभग 200 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने सोचा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए कोई पर्व मनाया जाए। इसके बाद होली के 13वें दिन कोड़ामार होली का आयोजन किया गया और इस त्योहार को हम आज तक निभा रहे हैं। इस दिन महिलाएं हम पर प्यार भरे कोड़े बरसाती है तो हम उन पर रंग का पानी डालते हैं। इसके बाद पूरे समाज का एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है जिससे कि समाज में एकता और समरसता कायम रहे। कोड़ामार होली में नवविवाहित युवक युवतियां भी बड़े उत्साह से खेलती हैं और होली खेलने के बाद बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। महिलाएं भी इस दिन अपने आप को पुरुषों के बराबर समझती है। प्रारंभ किया था, आज समय के परिवर्तन के साथ अपने नए रूप में, नए कलेवर में हमारे सामने है। हर वर्ष हम इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। पहले सिर्फ सामूहिक भोजन होता था, अब रंग भी खेलते हैं, अल्पाहार भी होता है, सांस्कृतिक आयोजन भी होता है, प्रतिभा सम्मान समारोह भी होता है और महिलाओं मातृशक्ति की जो हमारी सहभागिता है वह इस बार इतनी बढ़ चुकी है कि बराबर वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को संपादित करने में सहयोग करती है। यह कार्यक्रम अगर 200 वर्षों से चली रहा है किंतु इसमें अब युवा शक्ति की इतनी प्रेरणा बन चुकी है कि अब यह कार्यक्रम बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं के लिए भी बेसब्री से इंतजार का कारण बनता है। धन्यवाद। जय जिंगर। नाम बता। नाम बोल। मैं नंदकिशोर जिंगर, पूर्व महामंत्री जिंगर समाज समिति गुलमंडी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक जिंगर समाज है जो कि रंग टेरेस पर कोड़ा मार होली खेलते हैं। मोबाइल पर ये त्यौहार 200 वर्ष पूर्व त्यौहार है। पूरा 200 पूर्व इस सारा हिंदू समाज खेलता था लेकिन इस अब 200 पूर्व बाद केवल एक जीनगढ़ समाज इस परंपरा को निभाता है। इसके अंदर भाभी देवर द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। भाभी अपने देवर पर कोड़े बरसाती है और उस पर देवर पानी का रंग का पानी से प्रचार करता है। यह त्यौहार गुलमंडी भीलवाड़ा जी ये गुलमंडी के अंदर मनाया जाता है जीनगढ़ समाज द्वारा। क्या विशेषता रहती है सर इस दिन आपकी? इसकी विशेषता रहती है कि हमारे अंदर दोनों के अंदर प्रेम रहे, प्रेम की ओर से पूरी समाज का इकट्ठा सामूहिक भोजन होता है जिसके अंदर सभी समाज द्वारा एक साथ बैठकर एक जाजम पर हम भोजन करते हैं। कब और कब मनाते हैं इसको? ये रंग तेरस को मनाते हैं होली के 13 दिन बाद में। पूरे दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इसमें? पूरे दिन सुबह हम त्यौहार बनाते हैं, इसमें सब सामाजिक बंधु होली खेलते हैं, फिर उसके बाद में सामूहिक भोजन होता है और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है समाज के द्वारा। क्या नाम है? कैलाश सांगला, जिंदर समाज। तो जिंदर हूँ, 200 साल से खेल रहे हैं। हमारे खेलने में अच्छा लगता है, हम सब साथ में खेलते हैं, सास बहु देवर जेठ ठिकाने सब खेलते हैं। खेल खिला के हमारे बहुत साल हो गए, मजा अच्छा आनंद आता है और खेल के हम सब धर्मशाला में जाते हैं, शाम का खाना वही होता है हमारा, बहुत आनंद आता है। आदमी औरत हम कोड़ा मार, हमारे तेरस कोड़ा मार तेरस बहुत जोरदार है और हम सालों से खेल रहे हैं।